अगर पत्नी के द्वारा झूठी स्त्रीधन की लिस्ट के माध्यम से पति से अगर स्त्रीधन मांगा जाता है कि मुझे ये स्त्रीधन है जो मिलना चाहिए, पति के ऊपर एक दबाव डाला जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, पुलिस का डर है जो पति के मन में पैदा किया जाता है कि हमारा ये स्त्रीधन है हमें मिलना चाहिए, जो एक्चुअल में पति के पास में होता नहीं है, पति के परिवार के किसी भी सदस्य के पास में नहीं होता है, तो पति उसको कैसे लौटा पाएगा। तो अगर पत्नी इस तरीके की झूठी स्त्रीधन की लिस्ट देती है तो पति को 3 केसों के अंदर फायदा मिलने वाला है, माने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, आईपीसी 498A में, 406 में और डाइवोर्स लेने में। तो क्या बात है, इस जजमेंट के अंदर कही गई है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके फायदे का वीडियो है, और वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है इस चैनल को। अगर अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अटकुट जितेंद्र। आज के वीडियो में पति के मन में जो डर है झूठी स्त्रीधन की लिस्ट को लेके, वो है जो पूरा का पूरा दूर हो जाएगा माने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो, मामला इस तरीके से है कि ये जो झूठी स्त्रीधन की लिस्ट है इसको लेके मामला माने सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंच जाता है। माने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब मामले को गहराई से देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि पत्नी के द्वारा जो ये स्त्रीधन की लिस्ट दी जा रही है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से कोई भी आइटम है जो मेंशन नहीं किया गया है, अच्छे से डिफाइन ही नहीं किया गया है। कोई टाइम डेट पैलेस कुछ नहीं है, कब दिया गया, क्या था क्या नहीं था, ऐसा कुछ भी इसने परिभाषित नहीं किया है, पत्नी के द्वारा परिभाषित ही नहीं किया गया है। यहाँ पे जो भी ये बिल भी लगाए गए हैं, एक तो इनसे भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो बिल है इनके आइटम पति के पास में ही होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो बिल है इनके आइटम पत्नी ने खरीदे हैं, अपने पास में रख लिए हैं, यानी कि इनके जो मायके वाले हैं उन्होंने रख लिए हैं। तो यहाँ पे किसी भी एंगल से पत्नी के द्वारा साबित नहीं किया जा रहा है कि ये जो स्त्रीधन की लिस्ट है इसके अंदर जो आइटम है ये पति के पास में है। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आईपीसी 498A को भी देखा जाता है कि उसके अंदर भी पत्नी ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, कोई सफिशेंट ग्राउंड पत्नी के पास में है नहीं। तो यहाँ पे 406 में ही जब उसके पास में ग्राउंड नहीं है तो 498A में भी कोई स्पेसिफिक रोल किसी का नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों मामलों को ख़त्म कर दिया गया पति के ऊपर से, और इस तरीके से क्वेश्चनिंग हो गई। तो यहाँ पे देखो फायदा मिल गया एक झूठी स्त्रीधन की लिस्ट की वजह से आईपीसी 406 में और 498A में। तो यहाँ पे ये दोनों मामले हैं जो ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से अगर हो जाता है किसी का मामला भी क्यूएस हो जाता है झूठी स्त्रीधन की लिस्ट से, आईपीसी 498A का 406 तो उससे हट ही जाएगा, पर 498A भी अगर क्यूएस हो जाता है तो उसी जजमेंट के आधार पे पति के द्वारा अगर डाइवोर्स लिया जाए तो डाइवोर्स है जो पति को आसानी से मिल जाएगा। इस मामले के अंदर भी ऐसा ही हुआ, पति ने फिर साइडली जाके डाइवोर्स लिया इस जजमेंट के आधार पे, यानी कि 406 से क्या हो गया, क्यूएस हो गया 498A। तो यहाँ पे इसी से पति को फायदा मिल गया डाइवोर्स लेने के अंदर भी। तो यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके जरूर शेयर कर दीजिए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।